हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेग्नेंट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट से सिक्रीशन होता है, जिसे कि कोलोस्ट्रम कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस मंथ से शुरू होता है, कब तक होता है और इसका क्या इसके इफ़ेक्ट हैं। तो आज हम सब इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, इन पर बात करेंगे, क्योंकि कई महिलाएँ जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी तरह, जैसे मैं भी परेशान हो गई थी और फिर इधर उधर से पूछने शुरू कर देती हैं कि ऐसा क्या क्यों हो रहा है, कब तक होगा ऐसा, इससे कोई बच्चे पर तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुछ भी पता नहीं होता फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। कोलोस्ट्रम प्रेगनेंसी में निकलता है पाँचवें छठवें महीने से, किसी किसी का फिफ्थ मंथ से स्टार्ट हो जाता है, किसी का सिक्स्थ मंथ से स्टार्ट होता है। मेरे केस में तो फिफ्थ मंथ से ही स्टार्ट हो गया था। तो ये ऐसा हो, इसमें ऐसा हो सकता है, या तो कभी सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट से हो सक निकलेगा, या राइट ब्रेस्ट से, या फिर दोनों से भी निकल सकता है। कोलोस्ट्रम निकलना अच्छी चीज़ है, ये एक हाईली प्रोटीन होता है, जो कि कोलोस्ट्रम इसलिए ब्रेस्ट से निकलता है क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं आपकी ब्रेस्ट की, अगर कोलोस्ट्रम निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी आपके अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होगा, बेबी अच्छे से फीड कर पाएगा, दूध की आपको कमी नहीं होगी आपके ब्रेस्ट में। ये सब, इन सब चीज़ों का ये सिंबल है सिक्रीशन होना प्रेगनेंसी में। और ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी सी सांस फूल रही है, एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रेगनेंट, तो आज थोड़ा मुझे मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है। कई महिलाएं डर जाती हैं, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा और कम दोनों हो सकती है इसमें। कई लोगों को बहुत होता है, कुछ लोगों को कम होता है, एक या दो ड्रॉप्स होता है। मैं भी डर गई थी, मैंने अपने रिलेटिव्स में पूछा, उन्होंने कहा हाँ अच्छी चीज़ है, कॉमन है, होता है। फिर भी जब मुझे रोज़ डेली, उन्होंने कहा नहीं एक बार दो बार होगा फिर ठीक हो, पर मुझे डेली होता था, तो मैंने फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ठीक है, अच्छी बात है, वो फूड बेबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए वो सब ठीक है, आप अच्छे से बस अपने निप्पल की सफाई रखो ताकि वो अच्छे से बाहर आ सके। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी ज़्यादा भी होगा, आपके कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा होगा कई बार, तो आप इसकी चिंता मत करो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये 5-6-7 मंथ, 3-4 महीने भी चल सकता है आपका, और कुछ लोगों में जल्दी बंद हो जाता है, मतलब शुरू हुआ उसके 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, फिर बंद हो गया, किसी में 4-5 महीने तक चलता रह सकता है। तो इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हो रहा है उसको होने दीजिए, बस ये है आपका इतना काम है कि आप अच्छे से अपने निप्पल की सफाई करिए, उनको उनकी देख रेख करिए, ताकि उन पे ऐसा कोई भी कपड़ा प्रेशर वाला मत पहनिए कि जिससे निप्पल पे प्रेशर पड़े और वो मतलब अच्छे से, क्योंकि उनका साइज रुक जाता है, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में निप्पल का साइज बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, तो हम लोगों को चौथे पाँचवें महीने के बाद ब्रास पहननी बंद कर देनी चाहिए। अगर आप मैटरनिटी ब्रा यूज़ कर रहे हैं तो आप करिए उसको, लेकिन ये जो नॉर्मल ब्रा आती हैं ये मत यूज़ करिए, ऐसा कोई भी कपड़ा मत पहनिए जिसकी वजह से प्रेशर पड़े आपके ब्रेस्ट पे और आपके निप्पल पे, फिर वो अपने हिसाब से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी।